लेकिन हमारे पास इसकी कोई मुस्तनद रिवायत मौजूद नहीं है, ना कोई मुस्तनद रिवायत हमें मिली कि उनको प्यासा शहीद किया गया। वो अख मन गड़त कहानी यस कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सासे आव आब बयान करने त्रेश या त्रेन दोन बंद करनस यम से तमाम मन गड़त वाक़िया वारिया करमत अस बयानस यम वाक़े एम तौर पर आ मुसलमान ब्रेखन बयान करने अख मुसलमान छ परेशान गसा कि उद जुलम उस हालांकि कहानी छ अख अलग लेकिन उस बयान छ मुसलमान करने सु छ अख अलग तरीक़ पर बयान अमस करनस अत खतर मुताला करियोस दोन तम वन हे पथ हस आई त्रेश बंद कर गलत अपुज यह अपुज यह तुम व्यु तम बूजमुत मुमकिन वन तेख कि शायद अहल बत त्रेश बंद कर हे तम आई मजलूमाना अंदाज मह शहीद कर और तथ पान बयान कर अलहबुल अमान बल्कि सुन्नी और अमा सुन्नी मौलवी त पन्न मेम्बरन पे वाक़ा तथ पान कर हे द्राव हस अहल बत शहजाद हे द्राव हसन नवास रसूल जन मासूम बचो ओसमत हजरत हुसैन रदी अल्लाह ताला इमाम हुसैन रदी अल्लाह के सबसे छोटे शहजादे अली असगर जिनकी उम्र 6 महीने की थी इनका किस्सा सुनाता हूं। 3 दिन से पानी बंद था और शिद्दत प्यास से अली असगर जो थे वो इस कैफियत को पहुंच गए थे कि हिलजुल ना कर पाते, गला खुश्क हो गया था और रोते थे तो रोया नहीं जाता था, इतने कमजोर पड़ गए थे। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की जौजा ने कहा कि ये जालिम ऐसे हैं कि इन्होंने पानी बंद कर रखा है, ये छोटे अली असगर हैं, बिल्कुल दूध शीर खार बच्चे थे, इनको लेकर जाएं और कम से कम इस बच्चे के लिए आप पानी मांग लें इनसे कि ये इस बच्चे को तो पानी पिला दें, ये जालिम है ठीक है लेकिन शायद इस बच्चे को देखकर कम से कम इस बच्चे के लिए ही थोड़ा बहुत पानी दे दें। अली असगर रदी अल्लाह ताला अन्हु छोटे से थे, अब जबान निकालते थे, प्यास की वजह से रोते थे, बिलखते थे, ना माँ के दूध उतर रहा है भूख और प्यास की कमी की बिना पर और ना पानी मिल रहा है। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा अपने बच्चे को लेकर बाहर गए और आपने शायद फरमाया कि ऐ जालिमो मेरे नाना जान तो वो हैं जो हौज़े कौसर से पूरी उम्मत को अपने मुबारक हाथों से सैराब करेंगे और तुम मेरे नाना जान के इस छोटे से लखते जिगर को प्यासा मार रहे हो तो कब खून शौकीन वसन हता जालिम यजीद यो तो ना मोरवन बागी नवासाई मोहम्मद रसूलुल्लाह जब घोड़े की जीन से फर्शे जमीन पर आए बदन छलनी था जख्म जख्म से खून बह रहा था 3 दिन का प्यासा हुसैन अल्लाह अकबर।